जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, राम राम। आपके अपने वृंदावन उत्सव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं इस समय हूँ माँ सती के 51 पीठों में से एक पीठ चामुंडा देवी मंदिर। तो आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा माँ चामुंडा देवी जी के और बताऊंगा कि माँ चामुंडा देवी किस प्रकार वृंदावन में उनका प्राकट्य हुआ, किस प्रकार वृंदावन में आए। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ माँ चामुंडा देवी जी के दर्शन कराने के लिए। तो आप सभी मेरे वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और माँ चामुंडा जी के दर्शन आप जरूर करिएगा। जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, राम राम। हम आ गए इस समय चामुंडा मैया के मुख्य द्वार पे और भैया हम यहीं से प्रवेश करके आगे में हम श्री चामुंडा मैया के दिव्य दर्शन करेंगे। यह चामुंडा मैया का दिव्य मंदिर है और भैया आपको बता दूं यह शक्ति पीठों में से एक है और जब हम श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे तो उसके बीच में यह चामुंडा मैया का मुख्य द्वार नजर आएगा। तो आप लोग यहां से प्रवेश करके श्री चामुंडा मैया के दिव्य दर्शन कर सको। यह मंदिर यमुना किनारे पर स्थित है। कहा जाता है इस मंदिर के बारे में 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन की खोज के लिए श्री धाम वृंदावन आए, पर उनके मन में एक संशय होने लगा। उनके मन में एक विचार आया, क्या हमारे लाल जी इतनी दूर से गाय चराने के लिए आया करते थे, क्योंकि श्री धाम वृंदावन से गोवर्धन, नंदगांव और बरसाना काफी दूरी पर स्थित है वृंदावन से। पर उनके मन में विचार यही आया कि हमारे लाल जी इतनी दूर कैसे आया करते थे। तो यह संशय लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन से वापस लौट गए, पर उन्होंने अपने शिष्य रूप और सनातन को वृंदावन खोज के लिए भेजा। तो गुरु की आज्ञा पाकर श्री रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन के लिए निकल लिए और कुछ दिनों बाद श्री धाम वृंदावन यमुना किनारे पर आ गए। और उस समय कोई साधन तो हुआ करता नहीं था, पर श्री स्वामी जी महाराज पैदल पैदल चल के श्री धाम वृंदावन पहुंचे। जब वृंदावन आए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ में हरियाली हरियाली, चारों तरफ में तुलसी के बनी बन नजर आए, पर उनको संशय होने लगा कि क्या यही श्री धाम वृंदावन है। और जहां जहां तक उनकी नजर जाए वहां वहां तक उनको हरियाली हरियाली नजर आए, पर वे अब कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि यही श्री धाम वृंदावन है। तो वह हार के श्री यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, आप ही कुछ हमको बताइए कि हम कैसे श्री धाम वृंदावन की खोज करें, आप ही कुछ हमें रास्ता दिखाइए। तो वह कुछ ही देर में देखते हैं कि एक छोटी सी कन्या आकर श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के पास आई और कहने लगी कि यही श्री धाम वृंदावन है, जो आपको सामने में जो नजर आ रहा है यही श्री धाम वृंदावन है। क्योंकि उस समय यह एक टीला हुआ करता था इस मंदिर पे। आज भी जब आप चामुंडा देवी मंदिर के दर्शन के लिए जाओगे तो आपको नजर आएगा एक टीला जैसा। तो उस समय बहुत बड़ा टीला था, उस टीले पे खड़े होके सामने में श्री धाम वृंदावन पूरा दिखा करता था। तो बताए वो लड़की जो छोटी सी कन्या के रूप में जो आई थी, उन्होंने बताया कि यही श्री धाम वृंदावन है और आप आगे से जाके श्री धाम वृंदावन की खोज कर सकते हो। तो वह यह सुन के बड़े खुश हुए और उन्होंने अब अपने मन में विचार किया कि अब हम अपने गुरु के पास जाके अपने गुरु को अपना मुंह दिखा सकते हैं। तो वह श्री रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज ने श्री छोटी सी कन्या से पूछा कि आप कौन हो, इस घने जंगल में अकेले विराजमान हो और आप कहां से आए हो। तो श्री रूप सनातन गोस्वामी जी को उस छोटी सी कन्या ने बताया कि मैं आदि काल से यहीं पर विराजमान हूँ,
यही मेरा स्थान है और मेरा नाम चामुंडा है। तो यह सुनके वह बड़े खुश हुए और इतना कहकर वो छोटी सी लड़की, छोटी सी कन्या अंतर ध्यान हो गई। तब से और आज तक श्री चामुंडा मैया के दिव्य दर्शन होते आ रहे हैं और मैया का दिव्य ही स्वरूप है। तो जब आप कभी श्री धाम वृंदावन आओ तो चामुंडा देवी जी के दिव्य दर्शन करिएगा। और भैया आपको बता दूं कि नवरात्रि के समय यहाँ पर दूर दूर से श्री चामुंडा मैया के भक्त और दूर दूर से जो वृंदावन आया करते हैं वह श्री चामुंडा देवी के दिव्य दर्शन करते हैं। और भैया आपको बता दूं देवी जी के साथ साथ में आपको आसपास में काफी सारे छोटे छोटे मंदिर नजर आने लगेंगे। आपको शिव जी भी विराजमान है और आप शिव परिवार के दिव्य दर्शन कर सकते हो, श्री राम जी के दिव्य दर्शन कर सकते हो। और आपको बता दूं बगल में ही पास में ही श्री यमुना महारानी जी के भी दिव्य दर्शन है, क्योंकि किसी समय पे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किसी समय पर यहाँ पर श्री यमुना महारानी जी थे और यहीं से पर, लेकिन अभी श्री यमुना महारानी जी थोड़े से दूरी पर हैं, फिर भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप देवी जी के दिव्य दर्शन करके आप श्री यमुना महारानी जी के दिव्य दर्शन कर सकते हो भैया, बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन है। और आपको बता दूं आप दर्शन कर ही पा रहे हो, ये भैया संतोषी माता के दिव्य दर्शन है और साथ में आपको शिव जी के भी दिव्य दर्शन, भैरव बाबा के भी दिव्य दर्शन हो सकते हैं। और जब आप श्री धाम वृंदावन आए तो आप यहाँ के दिव्य दर्शन आप जरूर करिएगा। और आपको बता दूं कि भैया इस समय यानी नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में चामुंडा देवी के दिव्य दर्शन बहुत ही दिव्य अलौकिक दर्शन होते हैं। और आप श्री चामुंडा देवी मैया को स्पर्श भी कर सकते हैं भैया, और माता को सबसे प्रिय यहाँ पे नारियल का भोग, और वैसे तो माँ सपाई लेते हैं लेकिन उनका प्रिय भोग नारियल और हलुआ चना का भोग लगता है। और यहाँ पे आप खुद से भी बना के श्री मैया का भोग लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई मना नहीं है। आप देख ही पा रहे हो कि भंडारा इस समय चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे कन्या लांगुरा प्रसाद पा रहे हैं और आज अष्टमी का भी दिन है। तो भैया आज संध्या आरती, एक विशेष आरती 108 दीपक से मैया की दिव्य आरती होती है। और आप देख पा रहे हो कि भैया कितनी भीड़ है इस समय मंदिर प्रांगण में। आप प्रांगण भी आपको बता दूं बहुत बड़ा है, बहुत ही दिव्य, और क्योंकि कितने भी भक्त आ जाएं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप देख पा रहे हो हरियाली भी है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और बहुत ही दिव्य अलौकिक दर्शन है। तो आप जब कभी आओ तो देवी जी के दिव्य दर्शन आप जरूर से जरूर करिएगा। और आपको बता दूं आज जागरण भजन संध्या का भी आयोजन बड़े धूमधाम से मंदिर प्रांगण में किया जाता है और यह 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है। तो भैया इसको चामुंडा देवी मंदिर कहा करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वृंदावन के अंदर में दो शक्तिपीठ विराजमान है, एक तो माँ कात्यानी जी के दिव्य दर्शन है, उनको केश कात्यानी कहा करते हैं, जहाँ सती मैया का के केश गिरे थे तो इसलिए वहाँ केश कात्यानी जी के दिव्य दर्शन है वृंदावन में। तो आप जब कभी आओ तो माँ कात्यानी जी के दिव्य दर्शन करना और उसके बाद में जब परिक्रमा लगाओ तो माँ चामुंडा जी के दिव्य दर्शन करिएगा, क्योंकि ये दोनों ही दिव्य दर्शन है माता के। और एक तो आपको बता दूं जो कात्यानी मैया हैं वो तो उनके तो दिव्य दर्शन है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए जिस देवी की गोपियों ने आराधना की थी वह माँ कात्यानी जी हैं। तो आप माँ कात्यानी जी के भी दिव्य दर्शन करिएगा। आप अभी दर्शन कर पा रहे हो कि भैया चामुंडा देवी जी के 56 भोग के दर्शन, 56 भोग रखे हुए हैं और बहुत ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं। तो भैया यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यदि आप नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ सको भैया, और अगली वीडियो में कात्यानी देवी जी के दर्शन कराऊंगा।